सब्सक्राइब करें पाकिस्तानी ड्रामा सेंस चैनल को और दबाएं इस बेल के आइकन को ताकि आप हमारी वीडियो देखें सबसे पहले। भाई लोग, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए है, ना कि किसी की बुराई करने के लिए। हमारा मकसद किसी भी ड्रामा या किसी भी एक्टर को हेट करना नहीं, सो प्लीज इन वीडियो को ज्यादा दिल पर ना लें। थैंक यू। इस सीन में जब जुबैर की बीवी यहाँ पर बैठी होती है तब इसके पीछे एक बोतल पड़ी होती है, लेकिन जैसे ही कैमरा दूर से व्यू लेता है तो बोतल पीछे से गायब हो जाती है, और फिर जब कैमरा जूम लेता है तो वो गायब हुई बोतल दोबारा उस जगह पर पड़ी हुई नजर आती है। मनायल जब शॉपिंग करने के लिए जा रही होती है तब इसके हाथ में कुछ भी नहीं होता, इसके दोनों हाथ बिल्कुल खाली होते हैं, लेकिन जैसे ये चलकर बाहर आती है तो इसके हाथ में ये मोबाइल पता नहीं कहाँ से आ जाता है। ये साफ नजर आ रहा है कि मनायल के पास कोई भी ऐनक नजर नहीं आती, लेकिन जैसे ही मनायल चलकर गाड़ी में आकर बैठती है तो इसके पास ये ऐनक जादू से आ जाती है। दानियाल की गाड़ी पे यहाँ पर एक डब्बी पड़ी होती है और इस डब्बी के साथ एक स्टिकर भी लटका होता है, लेकिन जैसे ही कैमरा जूम लेता है तो डब्बी तो वहीं पर पड़ी होती है, बस वो स्टिकर यहाँ से गायब हो जाता है, और फिर जब कैमरा दूर से व्यू लेता है तो वो स्टिकर दोबारा से वहीं पर लटका हुआ नजर आता है। मनायल जब यासिर को देखती है तब इसके सर पर एक ऐनक लगी होती है, लेकिन जैसे मनायल चढ़कर जवेरिया के पास आती है तो इसके पास कोई भी ऐनक नजर नहीं आती। जब मनायल और जवेरिया यासिर के पास जा रही होती है तब मनायल के पास एक बैग होता है और एक सामान वाली टोकरी होती है, लेकिन जैसे ये दोनों चलकर यहाँ पर आती है तो वो टोकरी इसके हाथों से गायब हो जाती है। डबल डबल रिश्ते है मनाहिल के साथ। मानूर पहले ही अली को बता देती है कि दानियाल और मनाहिल के रिश्ते की बात हो रही है। तुम्हें मालूम था कि सूफे चाची ने तुम्हें दानियाल भाई और मनाहिल के रिश्ते की बात करने के लिए बुलाया? अबे पागल, अभी थोड़ी देर पहले ही तुमने उसे बताया है और इतना जल्दी तुम भूल भी गयी। एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। अली यहाँ पर आता है और जल्दी से अपना मुँह खोलता है। हम इस रिश्ते से इनकार कर रहे हैं। अरे भाई, पहले उन लोगों की बात तो सुन लो, वो क्या कहना चाहते हैं, बस फट से जवाब दे दिया। मनायल जब परेशान होकर बैठी होती है तब इसके पास कोई भी मोबाइल नजर नहीं आता, लेकिन जैसे ही यहाँ पर दानियाल आता है तो इसके पास ये मोबाइल जादू से आ जाता है। बादशाह फोन पर सोफिया के साथ बड़े मजे के साथ बात कर रहा होता है। और ये क्या, इसके मोबाइल की होम स्क्रीन तो ऑन है, जबकि कॉल आने पर मोबाइल की होम स्क्रीन तो अपने आप ही ऑफ हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि बादशाह फोन पर किसी के साथ बात नहीं कर रहा, बस ऐसे ड्रामे लगा रहा है। भाई लोग, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर कर दो। ऐसी वीडियो मजीद देखने के लिए पाकिस्तानी ड्रामा सेंस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।